शार्प लेफ्ट ले लेगा। हाँ वो इसलिए सीधा वो सीधा 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 ये लेफ्ट लेग बोले। तो दोस्तों काजीरंगा से हम लोग सीधा निकले मोकोचुंग के लिए, क्योंकि हमको जाना तो कहीं और था लेकिन बिकॉज ऑफ बंद था सब कुछ तो हम जा नहीं सकते थे और हमें कैसे भी करके वहाँ से निकलना था। तो हम वहाँ से ड्राइव करके हम लोग रात को पहुँचे मोकोचुंग, जो कि आप जगह देख रहे हैं, मतलब हम लोग ने होम स्टे लिया था और मतलब काफ़ी अच्छा जगह था। हम लोग का एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा था लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि रास्ते में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा और हम कैसे कैसे करके आए हैं वो तो हम ही जानते हैं उस वक्त हमें कैसे यहाँ पे आए। और इसी वजह से एक्चुअली ये ट्रिप काफ़ी ये हो गया, काफ़ी अच्छे से कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है तो इसलिए ट्रिप का इशू हो गया है। तो ये है छोटा सा रूम टूर, जो कि मैं तो सो रहा था पर ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली पता नहीं किसने की है, पर किसी और ने की है क्योंकि मैं वहाँ पे सो रहा हूँ मुझे ये पता है। तो ये है रूम टूर, मतलब रूम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत ही मेंटेन रखा गया था रूम को। तो चलो देखते हैं। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, हमने यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से टाटा हो लिए और उसके बाद हम जो है निकल पड़े हैं लॉन्गखिम जगह का नाम है, विलेज है जो कि काफ़ी फेमस विलेज माना जाता है। हम लोग वहाँ के लिए निकल गए और वहाँ पे पहुँच के देखते हैं। किम खम लॉन्गखिम किम विलेज। दोस्तों ये है लॉन्गखिम विलेज और यहाँ से जो है अभी आप कुछ फोटोज देखेंगे जो कि यहाँ से जो नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है।
दोस्तों लॉन्गखिम घूमने के बाद हम निकल गए कोहिमा के लिए, और कोहिमा हम पहुँचे हैं रात में। तो ये है पूरा, फिर हम वहाँ से सीधा ड्राइव करके निकल गए कोहिमा के लिए, और कोहिमा पहुँचे, वहाँ पे हम रेस्ट किए, सोए, और नेक्स्ट डे हम लोग ने किया है जुको वैली ट्रैक, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और सबसे मज़ेदार ट्रैक था वो हमारा, लेकिन काफ़ी थका देने वाला ट्रैक था ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई जो थी हालत ख़राब हो गई। मतलब उस जगह का एक्सपीरियंस जो था ना दोस्तों, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुँह से, बस वो फील किया है हमने। और मतलब सबसे मज़ा हमको उसी ट्रैक में आया, मतलब हमको उस ट्रैक में काफ़ी मज़ा आया। आप मेरे एक्साइटमेंट से समझ सकते हो कि उस ट्रैक में कितना मज़ा आया होगा, पर हाँ टफ ज़रूर था। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए पूरा, और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ हैं उसको देखिए, और मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, और फ़िलहाल अभी घर में रहें, क्योंकि ये तो मैं जूनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है घर में रहें और सेफ़ रहें। तो चलो बाय।